राष्ट्र वंदन समिति के तत्वावधान में महानगर के शास्त्री चौराहे पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एवं आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में भारत माता की भव्य आरती की गई, जिसमें युवाओं का उत्साह देखने को मिला तथा भारत माता की जय के नारे लगाए तथा पूरे चौराहों को तिरंगे से सजाया गया। इस संबंध में कार्यक्रम के संयोजक एवं समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि समिति का यह प्रयास रहा है कि युवाओं के अंदर देश पर मर मिटने और राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार हो और आज का युवा भारत के नाम को विश्व के पटल पर रोशन करे। उन्होंने बताया कि हम सब ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एकत्रित होकर भारत माता की आरती की है और संकल्प लिया है कि हम भारत माता को अखंड बनाएंगे एवं भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। इस अवसर पर देवीलाल गुप्ता, अखिल कुमार विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री आकाश, रीता, अनुराग खेमका, शक्ति सिंह, अनुभव शाही, शुभम एवं अभिजीत मिश्रा उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाज सेवी रूप कुमार बनर्जी तथा कार्यक्रम के संयोजक एवं समिति के महामंत्री दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, पहले तो ये राष्ट्रवंदन समिति जो एक बहुत ही राष्ट्र के प्रति समर्पित संस्था है, हम लोग प्रति माह 25 तारीख को कार्यक्रम करते थे, राष्ट्र के लिए भारत माता की महाआरती उतारते थे, परंतु कतिपय कारणों से कोविड को मद्देनज़र रखते हुए इधर पिछले कई महीनों से कहें एक दो साल से कार्यक्रम हम लोग को स्थगित करना पड़ा, परंतु आज हम लोग ने अपने सारी चीज़ को कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए भारत माता के प्रति पुनः आज हम सभी एक साथ एकत्रित हुए हैं, एकत्रित होकर भारत माता के प्रति श्रद्धांजलि, भारत माता के प्रति प्रणामांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी महाआरती उतारे हैं एवं साथ ही साथ भारत माता के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित किए हैं। राष्ट्रवंदन समिति द्वारा आज के युवाओं में भारत माँ अपने शहीदों के प्रति प्रेम जगाने के लिए पिछले कई वर्षों से विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसी के क्रम में प्रति माह की 25 तारीख को भारत माता के चौराहे पर हम लोग भारत माता की आरती करते हैं। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर और ये जो आज़ादी का अमृतोत्सव चल रहा है 75वां वर्ष, उसके क्रम में हम लोग ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यहाँ पर भारत माता की आरती की है और यहाँ पर सजावट करके हम लोग ने एक उत्सव के रूप में आज इस दिवस को मनाया है कि हमारे जो शहीद जो बलिदान हो गए, जिनके वजह से आज हम लोग ये सांस ले पा रहे हैं, उनके प्रति हम लोग ने नमन करके उनके प्रति अपने धन्यवाद का ज्ञापन किया है।